आज के खूबसूरत दिन प्रभु वचनों के मनन के लिए मैं फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आइए फिर एक बार परमेश्वर के वचन से बोल लेंगे। ये बोझ और श्रम से दबे हुए जो लोग हैं, जिन्हें जीवन में कष्टमय जिंदगी लग रही, उनके लिए आज का वचन है। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और वचन नंबर 28। कुछ इस तरह से वहां यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ही खूबसूरत वचन यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चा विश्राम कहाँ पर है? इस वचन से हमें पता चलता है कि सच्चा विश्राम या सच्ची जो शांति है, सच्ची जो एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों को एक सच्चा विश्राम कहाँ है, तो प्रभु यीशु मसीह में है। आज जो आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी बोझ से दबी हुई आपको लग रही है? क्या आपको जिंदगी परिश्रम भरी हुई लग रही है? आपको जिंदगी में जीना बहुत कष्टमय, दुखमय, बहुत ही बोझ से दबाव अगर लग रहा है, तो मैं आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ। एक परमेश्वर है जिसने आपको रचा, वो नहीं चाहता कि आप इस बोझ परिश्रम में जिंदगी जिए, हर रोज कुड़कुड़ाते हुए रोते हुए उठे और उस परमेश्वर को कोसे, लेकिन वो चाहता है कि आप बोझ से दबा हुआ नहीं, लेकिन बोझ से छुटकारा पाया हुआ जीवन जिए, आप स्वतंत्र और परिश्रम करते समय आनंद का जीवन जिए। तो वो प्रभु कहता है कि उसके पास आइए। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपको पता नहीं है, तो कहिए, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक जिंदा और सच्चे परमेश्वर है, और मैं आपको मेरी जिंदगी में आने की अनुमति देता हूँ। मेरी जिंदगी में आए और मुझे इस बोझ और परिश्रम से आप छुड़ाए, और मुझे एक सच्चा विश्राम आप दीजिएगा। कोई टीवी चैनल, कोई भी सीरियल, कोई भी गीत जो दुनिया का है, कोई भी मूवी या कोई भी फिल्म का गाना है, फिल्म का कोई भी शॉर्ट शूट, कोई भी आपको सच्चा विश्राम नहीं दे सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें सच्चे विश्राम को दे सकते हैं, जिसके द्वारा बोझ और परिश्रम से हम मुक्त होंगे और हर रोज आनंद और शांति का जीवन हम जी सकेंगे। परमेश्वर आज आपके दिन को आशीषित करे।